गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल टीच स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट मैथ्स। आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का मैं आपको करवाऊंगी सॉल्व। ये आपको लिखना है और खुद सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, फिर आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ वर्ड्स। आपको फॉलोइंग यहाँ पे नंबर जो दिए हुए आपको नंबर उसको आपको राइट इन वर्ड्स लिखना है। ओके ठीक है, तो पहला क्या लिखा है 715, तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे हम 715। ओके आपको स्पेलिंग लिखनी है, जो आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उसकी स्पेलिंग लिखनी है। ये मैंने जो आगे की वर्कशीट करवाई है मैथ्स की, उसमें मैंने ये आपको सॉल्व करवाया है। तो आज मैं इसका प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको बनाया है। जो वर्कशीट मैंने आपको आगे समझाई उसके बेस पे मैंने आपको आज क्या बनाया है प्रैक्टिस पेपर, वो आपको क्या करना है घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके फिर नीचे क्या है 322, तो लिखेंगे 322, समझ में आया आपको। फिर 521, ठीक है। जैसे आपको नंबर दिया हुआ वैसे आपको क्या लिखना है इस वर्ड्स में लिखना है। ओके फिर 66, 100 क्या है 630। ओके फिर 535, फिर 427, 427। ये हमारा क्वेश्चन वन राइट द फॉलोइंग नंबर इस वर्ड पूरा हुआ। इसमें क्या करना है आपको, जो नंबर दिए हुए उसको क्या करना है राइट इन वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट है 715, 322, 521, 630, 535, 427। ओके क्वेश्चन टू है राइट द एक्सपेंडेड नंबर फ्रॉम, यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहले लिखेंगे 4, उसके बाद कितने हैं नंबर 1, 2, 3, तो यहाँ पे 30 क्या करेंगे ऐड, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 0, उसके बाद कितने नंबर है 3, तो 0 के साथ कितने नंबर है 2, 1, 2। 6 के बाद कितना नंबर है 1, तो यहाँ पे 6 के साथ 10, और 7 के बाद में क्या है कुछ नहीं, तो 7। ये एक्सपेंड नंबर मैंने इसके पहले के वीडियो में जो वर्कशीट बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 है, उसके बाद कितनी डिजिट है 1, 2, 3, तो 4 के बाद 30, 0 है उसके बाद कितनी डिजिट है 2, तो 0 के साथ 20। ओके 6 के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 6 के साथ 10, और 7 के बाद क्या है कुछ भी नहीं है, तो 7 का क्या करेंगे 7, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैं दूसरा आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे 7, ठीक है पहले हम 7 लिख देंगे। ओके उसके बाद कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। 9 के बाद कितनी है 1, 2। 7 के बाद 1, और 2 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है चिल्ड्रन। नीचे वाला आप कर लोगे 3, ठीक है मैंने 2 आपको बताया है करके, नीचे के 3 आप कर लेना। मैं आपको पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है वो लिख के पूरा आपको फ़ोटो भेजूंगी, अगर आपको ना आए तो आप उसमें से देख के कर लेना, बट आप एक बार घर पे ट्राई करना। मैंने आपको 2 सॉल्व करके बताए, एक्सपेंड कैसे करते, अलग अलग कैसे करते वो आपको कर लेना है। ओके
उसके बाद राइट इन शॉर्ट फॉर्म इसका जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म किया उसका अपोजिट है। यहाँ पे हमको पहले से अलग अलग दिया हुआ उसको हमको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हमको अलग अलग दिया हुआ है, एक्सपेंडेड ऑलरेडी दिया हुआ है और उसको हमको कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म। और क्वेश्चन टू में हमको क्या दिया था, शॉर्ट फॉर्म, और उसको क्या लिखना था, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखेंगे हम, फोर लिखा है, 457, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 5000 लिखा हुआ है, कितना है 295, तो 5295 समझ में आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद 3159, तो लिखेंगे 3159। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद 2234, तो 2234। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद 9566, तो उसको कैसे लिखेंगे, 9566। इसको हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म किया, किसका शॉर्ट फॉर्म किया, एक्सपेंडेड फॉर्म का। समझ में आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म का हमने शॉर्ट फॉर्म किया। उसके बाद क्वेश्चन फोर, अरेंज द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। आपको पैटर्न क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमको फर्स्ट देखेंगे, हम गैस करेंगे किसका टेबल है, सिक्स का है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, उसके आगे हमको सिक्स का टेबल कंटिन्यू रखना है जहाँ तक हमको क्या दी हुई है, डैश दी हुई है। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो क्या आएगा, 6 4 जा क्या आएगा, 24। फिर से 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, फिर क्या आएगा, ये टेबल है, ये आपको क्या करना है, लर्न होना चाहिए, तो ही आपको क्या आएगा, आएगा। ओके चिल्ड्रन, आपको लर्न करके लिखना है, इसके आगे आपको कंप्लीट करना है। समझ में आ गया आपको। ओके चिल्ड्रन, आपको क्या करना है, इसमें सिक्स का टेबल लिखना है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ओके उसके बाद यहाँ पर 5 का टेबल है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ऐसे आगे आपको 5 का टेबल कंप्लीट करना है, ये आप अपने आप कर लोगे। ओके इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेबल अगर लर्न होगा तो आप ये सीरीज कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नीचे 3 का टेबल दिया हुआ है, उसके बाद 4 का, और छेले लास्ट में किसका दिया हुआ है टेबल, 2 का, तो आपको ये अपने आप कंप्लीट कर लेना है। मैंने आपको करके बताया, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। आपको नहीं आता तो मैं इसकी जो फोटोकॉपी भेजूंगी उसमें से आप देख लेना, पर ये तो टेबल है ये आपको आता ही होगा, मैंने पहले भी टेबल करवाए हैं उसमें से आप देख के कर लेना। उसमें नीचे पहले 5 का है, फिर 3 का है, 4 का है, 2 का, आपको टेबल कंप्लीट कर लेना है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद ये सॉल्व एडिशन दिया है मैंने आपको, ये आपको SW में करना है सॉल्व। समझ में आ गया, ये आपको खुद करना है, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ। 6 ही सम दिए मैंने आपको, ये सॉल्व करना है आपको अपनी मैथ्स की CW में। ये पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है, क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन 3 4, और लास्ट में क्वेश्चन 5, ये आपको अपनी CW में वन टाइम सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, मैथ्स का पेपर आपको सॉल्व करना है CW में वन टाइम, अच्छी हैंडराइटिंग में। मैं आपको पूरा उसका आंसर लिख के आपको इसकी फ़ोटो सेंड करती हूँ, पर आपको ये अपने आप एक बार करने की कोशिश करनी है। ओके चिल्ड्रन,
आज के वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रैक्टिस पेपर आपको करवाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।